सो हे गाइस, OnePlus अपने OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर 17 फरवरी को लॉन्च करने वाली है, जिस पर ऑलरेडी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था। लेकिन गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग बताने वाला हूं, जो कि सामने निकल कर आ चुका है। साथ में कंफर्म स्पेक्स भी बताने वाला हूं, और गाइस फर्स्ट लुक तो इसका सामने निकल कर आ ही चुका है। एंड ये सारी चीज़ों के बाद में हम देखने वाले हैं कि क्या इस प्राइस के ऊपर आपको इस स्मार्टफोन को पिक करना चाहिए, या फिर इस प्राइस के ऊपर अगर आपको Realme 9 Pro Plus को लेकर थोड़े भी कन्फ्यूज हो तो उस पर जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिटेल में जानने वाले हैं, तो अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, सबसे पहले तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, जिसके बाद में आपको कोई भी शायद से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पर। तो हे गाइस, मैं हूं सीओम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सीओम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोज हम लेकर आते रहते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें, बात करें स्पेक्स, प्राइसिंग और कंपैरिजन को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि OnePlus Nord है ना, ये अलग अलग दो सीरीज है। एक तो Nord CE सीरीज है, जहां पर आपको ना मिड रेंज सेगमेंट के अंदर स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं 25,000 से नीचे से स्टार्ट होते हैं। जैसे OnePlus Nord CE लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, अब आपको OnePlus Nord CE 2 देखने को मिलेगा, जो कि CE का यहां पर सक्सेसर रहने वाला है। और दूसरा एक इनका सीरीज होता है OnePlus Nord सीरीज, जिसके अंदर OnePlus Nord और OnePlus Nord 2 हमने ऑलरेडी देख रखा है। और अगर बात करें OnePlus Nord CE सीरीज को लेकर, तो भाई हमने ऑलरेडी OnePlus Nord CE स्मार्टफोन देख रखा है। OnePlus Nord CE 2 लॉन्च होने वाला है 17 फरवरी को, और इससे भी एक सस्ता स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, OnePlus Nord CE 2 Lite स्मार्टफोन, जो कि OnePlus Nord CE का यहां पर कह सकते हो कि एक छोटा भाई रहने वाला है, जो कि 20,000 के नीचे भी आएगा। तो उसको लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं देखे तो वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, देख लेना। लेकिन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं OnePlus Nord CE 2 स्मार्टफोन के डिटेल स्पेसिफिकेशंस को लेकर। तो गाइस, सबसे पहले ये जो स्मार्टफोन है, लुक वाइज आप देख लो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। काफी सारे लोगों के सवाल थे कि भाई ये ग्लास पैनल होगा या फिर प्लास्टिक बैक होगा, तो यहां पर 99% चांसेस है कि भाई ये प्लास्टिक बैक के साथ में आने वाला है। बिकॉज ये जिस प्राइस के ऊपर आ रहा है ना, OnePlus आपको ग्लास पैनल नहीं प्रोवाइड करा रही है। जहां पर डिजाइन और लुक की बात कर ले, तो भाई लुक वाइज अगर देखें ना, तो कोई बहुत बड़ा यहां पर चेंज या फिर यूनिक डिजाइन नहीं मिलता है। OnePlus का एक ट्रेडिशनल डिजाइन देखने को मिलता है, बीच में OnePlus की ब्रांडिंग दी गई है। कैमरा मॉड्यूल काफी अच्छा लगता है, थोड़ा सा यहां पर उठा उठा सा कह सकते हो आप। इसके अलावा बैक में आपको ट्रिपल कैमरा लेंस देखने को मिलता है। बात करें अगर डिजाइन और बिल्ड के बाद में हम इस फोन के कलर्स को लेकर, तो गाइस यहां पर आपको दो कलर ऑप्शन के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। OnePlus की तरफ से बहामास ब्लू नाम से ये ब्लू कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्काई ब्लू कलर ऑप्शन, जो कि अच्छा लगता है। एंड यहां पर आपको इनका एक मिरर ग्रे कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दो कलर ऑप्शन के साथ में ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है। इसके अलावा भाई ये दो अलग अलग वेरिएंट के साथ में भी आने वाला है। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन, तो 8GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन। अच्छा किया भैया, इस बार 4GB रैम वेरिएंट इन्होंने दिखाने के लिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। इसके अलावा गाइस, अगर कलर बिल्ट और डिजाइन के बाद में हम बात करें इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में ना, तो नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा। 3.5mm का ऑडियो नहीं हेडफोन जैक कंफर्म देखने को मिल जाएगा। फोन के राइट साइड में आपको पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया अलर्ट स्लाइडर होगा या तो नहीं। कंफर्म कर दूं, अलर्ट स्लाइडर इस बार OnePlus Nord CE 2 के अंदर नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहां पर कहीं ना कहीं प्राइस कट करने के लिए ऐसा किया गया है। जहां पर अगर डिस्प्ले की बात करें, तो 6.43 इंच की डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाएगी, एक फ्लैट स्क्रीन होने वाली है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पंच होल कटआउट देखने को मिल जाएगा। और गाइज, ये जो डिस्प्ले रहने वाली है ना, ये एमोलेड पैनल के साथ में आने वाली है, तो अच्छी बात है कि भाई हर प्राइस के ऊपर OnePlus एमोलेड पैनल प्रोवाइड तो करा रहा है एटलीस्ट। इसके अलावा भाई इस बार भी आपको 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि भाई आपको साइड माउंटेड नहीं बल्कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। SDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस, आपको 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आपको 360Hz तक के टच सैंपलिंग रेट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो भाई डिस्प्ले को लेकर मैं कह सकता हूं कि इस प्राइस के ऊपर एक ठीक ठाक सा स्मार्टफोन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, सॉफ्टवेयर को लेकर, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है इस स्मार्टफोन के साथ में, तो इस फोन के साथ में आपको MediaTek Dimensity 900 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। 6nm आर्किटेक्चर के साथ में आता है, तो पावर इफिशियंट है, पावरफुल चिपसेट है। एंड गाइस, ओवरऑल इस प्राइस के ऊपर अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो आपको DDR4 रैम मिलती है, UFS 2.2 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, तो रीड एंड राइट स्पीड भी अच्छा खासा रहने वाला है। सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये स्मार्टफोन ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। एंड्रॉइड 11 के साथ इंडिया के लॉन्च किया जा रहा है, अगर एंड्रॉइड 12 के साथ आ जाता तो मजा ही आ जाता। लेकिन भाई यहां पर आपको ऑक्सीजनOS 11.3 देखने को मिलता है, तो ओवरऑल आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ऑक्सीजनOS अभी भी मैं कह सकता हूं कि अच्छा है, बाकी UI के कंपैरिजन में, जैसे Realme और यहां पर MIUI के कंपैरिजन में अभी भी ठीक ठाक सा है। लेकिन गाइस, अगर बात करें इस फोन के ओवरऑल रैम और स्टोरेज वेरिएंट को लेकर, तो आपको दो ही वेरिएंट मिलते हैं, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन। तो मैं कहूंगा यहां पर अगर 256GB वाला स्टोरेज ऑप्शन होता तो अच्छी बात होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर आपको SD कार्ड स्लॉट ऑप्शन मिलता है। आप 1TB यानी 1TB तक मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और
अपडेट्स की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 के साथ में स्मार्टफोन मिलेगा, एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 13 का आपको अपडेट आने वाले टाइम के अंदर मिल जाएगा कंफर्म, एंड 2 ईयर की आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलती रहेंगी इस फोन के साथ में। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर ये जो सेक्शन है ना, वन प्लस काफ़ी आगे रहता है बाकी ब्रांड्स को लेकर। यहाँ पर मैं कहूँगा काफ़ी कमाल का काम करने वाला है वन प्लस। कैमराज की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आप भी डिसअपॉइंट हो सकते हो और मैं भी डिसअपॉइंट हूँ भाई इस प्राइस के ऊपर। ट्रिपल कैमरा लेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है f1.79 अपर्चर के साथ में। यहाँ पर आपको कोई भी OIS नहीं मिलता है, EIS मिलता है प्राइमरी कैमरे में। लेकिन गाइस आपको बता दूं ये जो सेंसर रहने वाला है कोई भी सोनी सेंसर नहीं रहने वाला है। मुझे लगा था यार एक सोनी सेंसर देगा OnePlus, लेकिन यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि एक ओमनीविजन सेंसर देखने को मिलेगा। लेकिन 4K 30fps तक की रिकॉर्डिंग आप बैक कैमरे से कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर एक सोनी सेंसर होता, चलो सोनी नहीं दिए तो सैमसंग दे सकते थे। ओमनीविजन देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक खराब सेंसर है, एक बदनाम सेंसर है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि हाँ सोनी के जो सेंसर्स होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। इसके अलावा जो दूसरा लेंस देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का f2.25 अपर्चर के साथ में, एक अल्ट्रा वाइड लेंस जो कि 119 डिग्री के FOV के साथ में आता है, यानी फील्ड ऑफ व्यू के साथ में आता है, तो ये भी ठीक ठाक सा है। लेकिन लास्ट में 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ में एक लेंस चिपका दिया गया है जो कि मैक्रो लेंस होने वाला है। फ्रंट की बात करें तो भाई यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ठीक ठाक सा कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जो कि सोनी MX471 वाला सेंसर है जो कि f2.45 अपर्चर के साथ में आता है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर फाइनली देखना होगा कि OnePlus इस ओमनीविजन सेंसर के साथ में ऑप्टिमाइजेशन कैसी करती है, पोस्ट प्रोसेसिंग कैसी करती है, बिकॉज यहाँ पर जो कैमरा के अंदर सेंसर के बाद में सारा खेल होता है ना वो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और पोस्ट प्रोसेसिंग का ही होता है। तो अब लॉन्च के बाद में कैमरा टेस्टिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर चार्जिंग और बैटरी की बात करें तो 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, यानी 4500mAh की बैटरी 65W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। इसके अलावा भाई अगर फाइनली बात करें ना तो आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल सकता है। डुअल स्टूडियो स्पीकर को लेकर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और ये नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको 3.5mm का ऑडियो नहीं हेडफोन जैक मिलता है, अच्छी बात है, टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है और भाई कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है। तो भाई फाइनल कुछ यही स्पेक्स है जो कि आपको कंफर्म देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है कैमरा सेक्शन को लेकर। और ओवरऑल यहां पर अगर एक बैक ग्लास में नहीं आता है तो ये चीजें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर रही है गाइस। और अलर्ट स्लाइडर भी नहीं दिया गया इस फोन के साथ में। तो ओवरऑल कुछ चीजें मुझे OnePlus के फोन के अंदर जो अच्छी लगती है वो इस फोन के अंदर नहीं है, तो OnePlus का फोन ही क्या यार। लेकिन गाइस अगर फाइनली बात करें इस फोन के प्राइसिंग को लेकर, तो इस स्पेक्स के साथ में स्मार्टफोन अपने बेस वेरियंट 6GB RAM 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में 23999 यानी 24,000 से स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहां पर जो 8GB RAM 128GB स्टोरेज ऑप्शन होने वाला है ना, ये आपको 25999 यानी 26,000 से स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगा। तो भाई 25,000 के नीचे स्मार्टफोन तो लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन गाइस यहां पर जो कुछ स्पेक्स हैं, क्या आपको इस फोन को चूज करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई देखो यार, मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक OnePlus फैन हो, आपको ऑक्सीजन OS चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, 5G कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको 7 से 8 5G बैंड भी डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल ये अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन गाइस अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी चाहिए इससे कम प्राइस के ऊपर, बिकॉज जो रियलमी का 9 Pro Plus है ना, ये कंफर्म है कि 23,000 के नीचे ही आने वाला है, तो ये स्मार्टफोन उस प्राइस के ऊपर आपको सोनी MX766 वाला कैमरा दे रहा है गाइस, OIS का सपोर्ट दे रहा है अपने प्राइमरी लेंस में। इसके अलावा यही नहीं, डिजाइन भी ग्लास पैनल के साथ में कंफर्म हो चुकी है, एक अमेजिंग डिजाइन देखने को मिलती है। डिस्प्ले तो लगभग मान लो सेम हो जाता है, लेकिन उसके डिस्प्ले के अंदर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया ना, वहां पर आपको हार्ट रेट वाला फीचर देखने को मिलता है और भाई वहां पर आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो अगर देखें ना ओवरऑल कैमरा को लेकर, या फिर डुअल स्टूडियो स्पीकर सपोर्ट को लेकर, या फिर डिजाइन और लुक को लेकर, बिल्ड को लेकर, तो रियलमी 9 प्रो प्लस से एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बस UI को छोड़ दे, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी। मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 वाला चिपसेट वहां मिल रहा है जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 वाले चिपसेट से, यानी OnePlus Nord C2 स्मार्टफोन के चिपसेट से एक कदम आगे ही निकल जाता है। तो भाई अगर ब्रांड वैल्यू को छोड़ देना, ऑक्सीजन OS UI को छोड़ दे, तो यहां पर OnePlus के पास हर मामले में कहीं ना कहीं डाउनग्रेड ही देखने को मिल रहा है रियलमी से। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई आप एक OnePlus फैन हो, OnePlus का ही फोन लोगे, या फिर आपको रियलमी 9 प्रो प्लस के साइड जाना है। अगर रियलमी 9 प्रो प्लस 25,000 से ऊपर आता है तो डेफिनेटली OnePlus Nord C2 भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है OnePlus के फैंस के लिए। तो बस यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, मिलते हैं एक नॉर्मल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।